Hey guys, welcome back to my channel Rise and Shine Styles. अब स्टाइल से क्या आता है, बालों की स्टाइलिंग। अब हम गर्ल्स बालों को स्टाइल करे बिना तो रह नहीं सकते, हम कुछ ना कुछ स्टाइलिंग तो अपने बालों में करते ही रहते हैं। अब हम इंडियन अटायर को कैरी करते हैं तो हमारी हेयर स्टाइलिंग अलग हो जाती है। अगर हमने वेस्टर्न वेयर को कैरी किया हुआ है तो हमारी हेयर स्टाइलिंग अलग हो जाती है, हमारी हेयर स्टाइलिंग चेंज होती रहती है और हमें अच्छा भी लगता है जब हम अपने बालों के साथ अलग अलग स्टाइलिंग करते हैं। लेकिन स्टाइलिंग भी कभी कभी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि हमें स्टाइलिंग नहीं आ पाती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाती है, या कुछ स्टाइलिंग ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं, या वो जुगाड़ कैसे हो सकता है, वो जुगाड़ हो सकता है हेयर स्टाइलिंग टूल्स की वजह से। हेयर स्टाइलिंग टूल्स एक ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल बना देते हैं या बहुत ज़्यादा स्टाइल कर देते हैं, जिससे हम लुक अच्छे भी दिखते हैं और हमारे बाल भी अच्छे दिखते हैं, वो हमारे हर ड्रेस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी वो होगा फिलिप्स का मिस फ्रेशर हेयर स्ट्रेटनर, जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका बॉक्स तो गाइस मेरे पास नहीं है, वो टूट गया या खो गया, क्योंकि मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये आज का नहीं है मेरे पास में। ये ब्लैक कलर में आता है, यहाँ सेरेमिक कोटिंग है जिसकी वजह से आपके बाल ख़राब नहीं होते या डैमेज नहीं होते हैं। 210 डिग्री इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, इसमें टेम्परेचर को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें पहले से ही है जो कि प्रोफेशनल स्टाइलिंग टेम्परेचर होता है। और इसकी जो वायर है वो 360 डिग्री राउंड हो जाती है, जो कि मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि कभी कभी हमारा जो बोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टूल का जो वायर होता है ना वो घूम नहीं पाता ठीक से। लेकिन इसमें ये प्लस पॉइंट है कि आपका जो बोर्ड होगा वो कहीं पर भी हो लेकिन आपकी वायर एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक लूप भी मिलता है जिसको आप हैंग कर सकते हो, क्योंकि एक गर्म होती है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं रख सकते कहीं पे भी, उसको हैंग करने के लिए उन्होंने एक लूप भी दिया है। इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से क्रैक हो जाएगी ईजली या फिर आप जैसे फोल्ड करोगे वैसी रह जाएगी, नहीं, इसकी वायर जो है बहुत हार्ड है, अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस तरह के प्लग में हमें रिसीव होती है, ये इस तरह के प्लग में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हम स्ट्रेटनर के बारे में बात करूँ मैं तो एक ब्लैक में है, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है फिलिप्स मिस फ्रेशर स्ट्रेटनर। और ये जो सेरेमिक प्लेटिंग है ये पिंक कलर में है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और स्ट्रेटनर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है इस पिंक कलर की वजह से। और सारा ये ब्लैक है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है जिससे हम अपने स्ट्रेटनर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अपने अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम इसको ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट प्लग को नहीं हटाना पड़ेगा। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक रेड लाइट जल जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये जो टूल है ये स्टार्ट हो चुका है हीट करना, और ये 60 सेकेंड्स में ये हमारा गर्म हो जाता है, 60 सेकेंड्स में हम लोग को हीट दे देता है। अब इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। गाइस, मैंने इसको प्लग कर दिया है, मैंने स्विच भी ऑन कर दिया है, लेट्स सी कि कितने टाइम में गर्म होता है। ये इसकी हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम ट्राई करते हैं बालों पे कि ये किस तरह से स्टाइल करते हैं, कितनी देर में हमारे बालों को स्ट्रेट करेगा और शाइन भी प्रोवाइड करेगा या नहीं। मैंने अपने बालों को इस टूल को अप्लाई करने से पहले सीरम अप्लाई कर रखा है पहले से ही। मैं इसको, मेरे बालों की लेंथ थोड़ी सी लंबी है तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, और कर्ली बालों पर तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे बाल थोड़े से पहले से ही स्ट्रेट हैं, मेरे बालों में थोड़ी सी वेव्स हैं बस, तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ अपने बालों पे। आप छोटा छोटा सेक्शंस लीजिएगा, छोटे छोटे सेक्शन से ही अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा, और फिर देन इस तरह से इसको नीचे की तरफ ऐसे करके इसको करिएगा, जहाँ आपको लगता है ना थोड़ी सी ज़्यादा वेव्स हैं तो आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके वहाँ पर रख लेना, अदरवाइज गाइस ये बहुत अच्छा है। खाली हम अपने बालों को स्ट्रेट भी कर लेते हैं ना तो भी हमारी हर ड्रेस के अकॉर्डिंग चला जाता है वो हेयर स्टाइल, क्योंकि स्ट्रेट करने से हमारे बालों में शाइन भी आती है और एक मैनेजेबल भी हो जाते हैं हमारे बाल, इधर उधर नहीं उड़ते हैं, जो छोटे छोटे से बेबी हेयर होते हैं ना वो भी दब जाते हैं। मुझे काफी ज़्यादा सही लग रहा है, मेरे पास तो लंबे हैं, नीचे तक है तो मुझे तो करने में
राइट, मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैंने टॉप से नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करा है, अब आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये मेरे नॉर्मल हैं और ये मैंने जो स्टाइल अभी किए हैं स्ट्रेटनर से, ये वो वाले हेयर्स हैं, तो आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। मैंने पहले बोला था मेरे बाल इतने कर्ली नहीं हैं, ये मेरे ओरिजिनल हैं जिनमें कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल मैंने अप्लाई नहीं करा हुआ है, इसमें मैंने अभी अभी आपको स्ट्रेट करे हैं और आप देख सकते हो बालों में शाइन भी आई है काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। ये थोड़े से रेस हैं, मैंने तो भी कंट्रोल कर लिया है। आप छोटे छोटे, अगर आपके वॉल्यूम ज्यादा है आपके बालों में, तो छोटा छोटा सेक्शन लेकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस आप देख सकते हैं, खुद आप इसके डिफरेंस देखिए। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसी लगी है, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइज़।